इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑफ कोर्स फिर से बोल जा रहा हूँ, ये जब तक बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुआ तब तक बोलती रहेगी तू यार, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो एक चेकपॉइंट वीडियो है जो हर इमिग्रेंट की लाइफ में आएगा जो कनाडा में है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पिछले 180 दिनों की, व्हेन वी लैंडेड इन कनाडा ऑल द वे टू टुडे व्हेन वी फील सेटल्ड। हम बात करेंगे ओवरऑल टाइमलाइन की, हमने जो गलतियां करी, क्या चीजें सही करी, एंड द ओवरऑल एक्सपेंसेस दैट लेड अस टू वेयर वी आर टुडे। एंड ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं बिकॉज गिव और टेक अ फ्यू डेज, ये पहले 6 महीने ऑलमोस्ट हर न्यू इमिग्रेंट के सेम ही होते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। We landed in Canada on 12th of March 2020. And believe me, उस टाइम पे कनाडा में सिर्फ 50 केसेस थे टोटल और इंडिया में सिर्फ 25। अनबिलीवेबल लग रहा है बट ये सिर्फ 6 महीने पुरानी बात है। कनाडा आने से 1 महीना पहले हमने जॉब्स अप्लाई करनी शुरू कर दी थी, एंड जब हम यहाँ पे पहुंचे थे तो सिमरन की ऑलरेडी 2 इंटरव्यूज और मेरा 1 इंटरव्यू ऑलरेडी लाइंड अप था। पहले 3 दिनों में वी मेड अमेजिंग प्रोग्रेस। हमारा सिम नंबर हो गया था, सिम कार्ड्स आ गए थे, इवन बैंक अकाउंट्स भी हो गए थे। And the best part is we found a long-term accommodation as well, which was a shared condo in GTA for around $1,300 per month. And then everything started to fall apart. 16th of March को Justin Trudeau ने एक अनाउंसमेंट करी and there was a lockdown in Canada. उसके बाद जो हमने अकोमोडेशन बुक करी थी, क्योंकि वो शेयर्ड अकोमोडेशन थी तो हमने वो कैंसिल करी, एंड जो इंटरव्यूज प्लान थे वो या तो देवर पुट ऑन होल्ड या वो कैंसिल हो गए। एंड वी वर बैक टू स्क्वायर वन। तो हमने से एक चीज सीखी कि कनाडा में एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, बट हमारे केस में थोड़ा एक्सट्रीम हो गया था, तो जितना इजी कनाडा में सेटल होना लगता है उतना होता नहीं है। देयरफॉर वी ऑलवेज से दैट कि आपके पास फंड्स होने चाहिए व्हेन यू कम हियर, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसके लिए प्रिपेयर हो एंड आपके पास एटलीस्ट 5 महीने का रनवे हो। अगर आप कपल आ रहे हो तो वी वुड सजेस्ट कि आप $10,000 लेकर आओ। उसके बाद हमने पहले तो अपना एयरबीएनबी जो है उसको एक्सटेंड कराया। अब जब हम यहाँ पे आए थे तो हमने सिर्फ 8 दिन के लिए एयरबीएनबी कराया था, और वो हमारी सबसे पहली मिस्टेक थी। जब भी यहाँ पे आओ, कोरोना वायरस हो या ना हो, ऑलवेज बुक द एयरबीएनबी फॉर एटलीस्ट 15 डेज एंड ट्राई टू बुक इट क्लोज टू डाउनटाउन, चाहे वो वैंकूवर जा रहे हो या टोरंटो जा रहे हो। उसका रीजन ये है कि आपके पास जब आप यहाँ पे आओगे तो आपके पास कोई गाड़ी नहीं होगी, एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेस्ट डाउनटाउन के आसपास है, और आपको शुरू में बहुत सारे गवर्नमेंट के काम कराने हैं, सिन नंबर कराना है, हेल्थ कार्ड कराना है, अगर जॉब इंटरव्यू है तो वो भी ज्यादातर डाउनटाउन में होंगे। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टे अराउंड ऑल दीज प्लेसेस, सो स्टे इन अ एयरबीएनबी फॉर 15 डेज एंड स्टे एज क्लोज एज पॉसिबल टू डाउनटाउन। तो हमने अपना एयरबीएनबी एक्सटेंड कराने के बाद लॉन्ग टर्म अकोमोडेशन सर्च करनी शुरू कर दी, एंड क्योंकि कोविड चल रहा था तो वी वांटेड अ फुल बेसमेंट, एंड उसके बाद जॉब का सीन थोड़ा टाइट था तो हमारा बजट हम लोग लेके चले अराउंड $1,200। एंड इतने में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे आपको डिसेंट बेसमेंट मिल सकता है, विच इज ब्रैम्पटन। एंड गाइस, ब्रैम्पटन का जो इमेज है दैट इज वेरी बैड इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, बट यहाँ पे न्यू इमिग्रेंट्स के लिए ब्रैम्पटन से बढ़िया जगह नहीं है, एंड हम 4 महीने वहां पे रहे हैं इसलिए हम कह सकते हैं, और उसके 3 रीजन है। नंबर 1 इज व्हेन यू कम हियर यू नीड अ सपोर्ट सिस्टम, एंड क्योंकि ब्रैम्पटन में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, एंड वो सिर्फ इंडियन नहीं है, वो भी एक न्यू इमिग्रेंट थे, तो उनको पता है कि आप इस टाइम किस चीज से गुजर रहे हो, एंड दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल, सो दैट सपोर्ट सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू गेट दैट इन ब्रैम्पटन। दूसरी बात है खाना। ब्रैम्पटन में हर 2 किलोमीटर में यू विल ईदर गेट अ पाकिस्तानी स्टोर और एन इंडियन स्टोर, तो खाने की कोई दिक्कत होती नहीं, मसालों से लेकर सब कुछ मिल जाता है। यहाँ तक कि वॉलमार्ट में यू गेट ऑल द इंडियन स्पाइसेस एंड जितना भी वो ग्रोसरी होती है वो सब मिल जाती है वॉलमार्ट में। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इट इज चीप टू स्टे इन ब्रैम्पटन। ब्रैम्पटन की थोड़ी इमेज खराब है बट वो इतना बुरा भी नहीं है। नंबर 1 रूल फॉर एवरी न्यू इमिग्रेंट इज टू सेव मनी, एंड ब्रैम्पटन इज द बेस्ट प्लेस टू डू इट। Now we stayed in our Brampton basement for 4 months and अब होते हैं खर्चे शुरू। हमने पहले फर्स्ट और लास्ट मंथ का रेंट दिया जो कि $2,400 था। उसके बाद जो बेसमेंट थी वो अनफर्निश्ड थी, अगर आपको फर्निश्ड मिलती है तो बहुत ही बढ़िया है, बट फिर थोड़ा प्राइस भी ज्यादा हो जाएगा, तो हमने उसमें भी थोड़ा सा खर्चा करा, जो आइकिया का थोड़ा बहुत फर्नीचर वगैरह लिया, एंड टोटल मिला के अभी ये सब इंडियन रुपीज हमारे खर्च हो रहे थे क्योंकि जॉब दोनों के पास नहीं थी, एंड ये वाले पैसे काफी चुभ रहे थे। एंड अब जब अकोमोडेशन फाइनल हो जाती है तो शुरू होती है असली लड़ाई, विच इज जॉब हंट। अब अगर आप एज अ कपल आ रहे हो तो आपका जॉब लगने का चांस भी 2 टाइम्स हो जाता है, एंड दोनों में से एक ही जॉब भी लग जाए तो घर पे डॉलर आने शुरू हो जाते हैं। एंड हमारे केस में भी ऐसा ही हुआ।
अब मेरी फील्ड मार्केटिंग है एंड कोविड के चक्कर में मार्केटिंग की जॉब्स बहुत ही कम थी, मेरे को इनफैक्ट रिजेक्शन मेल्स भी आने बंद हो गए थे, जॉब इंटरव्यू तो दूर की बात है। बट सिमरन इज अ डेवलपर एंड देयरफॉर शी वाज एबल टू गेट अ जॉब आफ्टर 1 week ऑफ मूविंग टू ब्रैम्पटन। अब अगर आपने मेरी जॉब सर्च की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक दैट आउट। आई गॉट अ जॉब इन माई फील्ड ओनली, इट वॉज नॉट अ परमानेंट रोल, इट वॉज कॉन्ट्रैक्चुअल, आई वॉज बींग पेड ऑन एन आर्ली बेसिस। पे थोड़ी कम थी, देयर वर नो बेनिफिट्स लाइक मेडिकल एंड डेंटल, बट इतनी थी कि घर का खर्चा चल रहा था। अब गाइस जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें इतना फसी नहीं होना चाहिए जॉब को लेके। अगर आपको अपने फील्ड में जॉब मिल रही है तो आपको ले लेनी चाहिए, चाहे वो जैसी भी जॉब हो और जितना भी पे कर रही हो। जैसे ही आपको कनेडियन एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो जाएगा उसके बाद यू विल एक्चुअली गेट मोर कॉल्स एंड यू विल लैंड अ वेरी डिसेंट जॉब। एंड वही हुआ मेरे साथ, मैंने अप्रैल में ये जॉब शुरू करी थी एंड मई में मैंने आके और इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए एंड जून बिगनिंग में आई गॉट अ जॉब ऑफर विच इज माई करंट जॉब। इट वॉज परमानेंट, इट हैड मोर सैलरी एंड अ मच मोर स्टेबल इनकम। Like you can see, हमारे केस में एक बंदे की जॉब भी सेटल हो गई तो हमने थोड़े पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे। तब तक मेरे को 3 महीने हो चुके थे जॉब सर्च करते हुए, मेरे को जॉब नहीं मिली थी, इनफैक्ट इंटरव्यूज भी बहुत कम आ रहे थे। अब उसका एक रीजन कोविड था और दूसरा रीजन था मैं खुद। आई वॉज नॉट डूइंग इट प्रॉपरली एंड मैं 2 गलतियां कर रहा था। पहली गलती ये कि मैं फोकस नहीं था इन माय जॉब सर्च। मैं जो भी जॉब आती थी उसको अप्लाई करता था, चाहे वो मार्केटिंग है, इनसाइट्स है, जो भी मेरी रिमोटली पिछली एक्सपीरियंस से रिलेटेड थी मैं वो अप्लाई कर रहा था। एंड वो गलती प्लीज मत करना। यू शुड फोकस योर रिज्यूमे टुवर्ड्स 1 job profile जो आपकी स्ट्रेंथ है। एंड जैसे ही मैंने वो करना शुरू करा मेरे को जॉब इंटरव्यूज आने शुरू हो गए। एंड दूसरी चीज थी रेफरेंसेज एंड नेटवर्किंग। अगर आप 4 घंटे के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हो एवरी सिंगल डे तो 3 घंटे शुड बी स्पेंट ऑन नेटवर्किंग ऑन लिंक्डइन एंड सिर्फ 1 घंटे आपको जितनी भी जॉब्स आई हैं उसके ऊपर आपको अप्लाई करना है। अब मेरी जॉब सर्च की जो जर्नी थी उसकी हमने एक वीडियो बनाई थी जुलाई में, सो डू चेक दैट आउट। बट फाइनली आफ्टर 4 months इन जुलाई आई स्टार्टेड वर्किंग इन माई करेंट जॉब एंड सांस में सांस आई थी। अब बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि टीचिंग का, डॉक्टर, सिविल इंजीनियर, मार्केटिंग, सेल्स का, इन सबका स्कोप क्या है। अगर आपके दिमाग में भी क्वेश्चन है एंड आप हमसे पूछ रहे हो तो आप भी वही गलती कर रहे हो जो नवजोत कर रहा था। गाइज ये चीज हमसे मत पूछो, आप लिंक्डइन पे जाओ, अपने जो आपकी फील्ड है उसमें जो कनाडा में लोग काम कर रहे हैं उनसे कनेक्ट करो, इंडियंस को रीच आउट करो, बिकॉज वो भी आपकी पोजीशन में थे कभी जब वो इधर आए थे, तो दे विल बी मोर इंक्लाइंड टू हेल्प यू। उनसे कनेक्ट करोगे तो उनको पता चलेगा कि कितनी सैलरीज होती हैं, क्या क्या चीजें आपको प्रोफाइल में डालनी चाहिए, आपको अच्छे से गाइडेंस मिलेगी वहां से, एंड दैट्स द राइट वे टू नेटवर्क। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपकी जॉब सर्च थोड़ी ईजी हो जाएगी अगर आप ये वाली अप्रोच यूज करोगे। अब जुलाई शुरू हो चुका था, हम दोनों की जॉब से थोड़ी सेटल हो गई थी एंड अब टाइम था बेसमेंट से निकलने का एंड हमने कॉन्डो सर्च करना शुरू कर दिया। इसमें हमने 2 डिटेल वीडियोस बनाई है, सो डू चेक दैट आउट। हमने ये वाला जो घर है वो जुलाई में ही फाइनल कर दिया था और 1st of August को हम मूव हो गए थे। अब हम सेटल तो फील कर रहे थे बट जब हम ये मूव करा हमने तो काफी ज्यादा खर्चे भी बढ़ने शुरू हो गए। बट दैट इज फाइन बिकॉज अगर आप कनाडा आए हो तो आपको अपने ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ानी है एंड आई थिंक यू डिजर्व दैट। बट काफी खर्चा होता है इस स्टेप में बिकॉज आपको फर्स्ट और लास्ट मंथ का रेंट भी देना होता है, अनफर्निश्ड अपार्टमेंट है तो फर्नीचर के लिए सारा खर्चा करना पड़ता है। हमारा ही खर्चा $2,500 हो गया, उसके बारे में हम एक अलग वीडियो शेयर करेंगे। गाइज जो भी है ये वाला जो स्टेप है ये आपका सबसे एक्सपेंसिव स्टेप होगा इन द फर्स्ट 6 months, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जॉब सेटल्ड है बिफोर यू आर टेकिंग दिस स्टेप, बिकॉज यूटिलिटी से लेकर रेंट तक आपका सब कुछ इंक्रीज होगा। और अगर आपके पास इस स्टेप लेने से पहले $6,000 इकट्ठे नहीं हुए हैं आपकी करंट जॉब से, सो यू शुड नॉट थिंक ऑफ टेकिंग दिस स्टेप। हमने पर्सनली, हमें ऐसा लगता है नाउ दैट वी हैव मेड दैट स्टेप, हमने 1 महीना जल्दी करी, हमें 1 महीना और वेट करना चाहिए था, थोड़े से पैसे और इकट्ठे करने चाहिए थे ताकि हमारा जो यहाँ पे सेटलिंग डाउन था, जो रेंट वगैरह देना था, सब कुछ देना था, वो थोड़ा और स्मूथ हो जाता। एंड फिर था फाइनल स्टेप बाइंग अ कार। इस पे भी हमने बहुत डिटेल 2 वीडियोस बनाई है एंड अगेन वी से दैट कि आप कार तभी खरीदो जब आप दोनों के पास सेटल्ड जॉब्स हो। अब ये गाड़ी खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कनाडा में, आजकल तो 0 down वेरी लो इंटरेस्ट पे बहुत बड़ी गाड़ियाँ मिल जाती है, बट मेंटेनिंग अ कार इज वेरी एक्सपेंसिव। एंड गाइज एक और टिप देते हैं, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स, आप अगर यूट्यूब सर्च भी करोगे आपको ये मिल जाएगा, जो अमाउंट आप अपने घर और गाड़ी पे खर्च करते हो उसका एक थंब रूल होता है।
यू शुड नॉट स्पेंड मोर देन 25% ऑफ योर हाउस होल्ड इनकम, जो आपके पास आफ्टर टैक्स इनकम आ रही है एज अ हाउस होल्ड, ऑन योर रेंट प्लस यूटिलिटीज. तो अगर आप $8,000 घर पे लेकर आ रहे हो तो उसमें से $2,000 से ज्यादा आपको अपना रेंट प्लस यूटिलिटीज में खर्च नहीं करना है, दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. एंड जहां तक आता है गाड़ी का सवाल, तो वो नंबर है 10%. तो जैसे उस 8,000 में से आपकी EMI और इंश्योरेंस शुड नॉट बी मोर देन $800. एंड ऑल दिस ब्रिंग्स अस टू हियर टुडे व्हेन वी कैन ऑफिशियली से दैट वी आर सेटल्ड एंड आवर इनिशियल स्ट्रगल इज ओवर. And now we can move on with our life and think of our next goals. It could be starting a family or getting a better job, ya fir buying our own house. कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आगे हर न्यू इमिग्रेंट की जर्नी डिफरेंट होगी, बट एटलीस्ट अभी तक ऑलमोस्ट सबकी जर्नी सेम ही होती है. एंड गाइज, ऑब्वियसली हम थोड़े ये ओवर जनरलाइज कर रहे हैं, वी नो दैट बहुत सारे सिंगल लोग भी आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे अपने बच्चों के साथ भी आते हैं, वो सब हम कवर करते हैं अपनी इंटरव्यूज में, जो न्यू इमिग्रेंट इंटरव्यू सीरीज हम करते हैं, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड कैलिब्रेट योर जर्नीज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंसेज दैट यू हैव इन योर प्रोफाइल्स. गाइज, अगर वीडियो बढ़िया लगी तो प्लीज लाइक करना, और लाइक से भी ज्यादा अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो जो यहाँ पे आने वाला है या फिर यहाँ पे ऑलरेडी है एंड दे आर स्ट्रगलिंग, शेयर दिस वीडियो विद देम सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन स्प्रेड द मैसेज दैट यहाँ पे स्ट्रगल है शुरू में. हम ये डिनाई नहीं कर रहे, बट दैट स्ट्रगल हैज एन एंड, लाइक एनी अदर स्ट्रगल दिस विल आल्सो पास. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.